इसी महीने देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ाने का ऐलान किया। संयुक्त किसान मोर्चा की माने तो आंदोलन स्थगित करने के समय केंद्र सरकार और किसानों के बीच जिन मांगों पर सहमति बनी थी वो मांगे अभी तक पेंडिंग है। ऐसे में अब संयुक्त किसान मोर्चा भी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए तैयार है और इसकी शुरुआत मिशन यूपी से की जाएगी। मिशन के पहले चरण में 3 फरवरी को मोर्चा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। किसान संगठन बीते काफी समय से बीजेपी सरकार को चेता रहा है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो भाजपा को वोट नहीं देंगे। भाजपा को वोट नहीं अभियान शुरू करने के लिए यूपी और उत्तराखंड आएंगे। हरियाणा एसकेएम के नेता सुरेश कोत ने बताया कि दिल्ली प्रेस क्लब में संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस वार्ता होगी जिसमें मिशन यूपी को लेकर ऐलान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 4 फरवरी से पूरे प्रदेश में भाजपा के खिलाफ भाजपा हटाओ अभियान की शुरुआत की जाएगी। वहीं भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी मंजीत सिंह ने कहा कि सरकार ने अब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं की। ऐसे में गांव-गांव से किसान यूपी जाएंगे और पूरी टीम बनाकर पूरे यूपी में भाजपा के खिलाफ प्रचार करेंगे और लोगों से भाजपा को हराने की अपील की जाएगी, जिसके लिए पूरी रणनीति तैयार की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन है, पंजाब के अंदर इलेक्शन है और मैं भाजपा सरकार से मोदी सरकार से ये कहना चाहूंगा कि आपने जो वायदे किसानों के साथ किए थे किसान आंदोलन में, उनमें से कुछ वायदे अभी अधूरे हैं, जैसे कि MSP पर गारंटी बनानी है, कमेटी बनानी है और जो मेन वादा था लखीमपुर खीरी में जो हमारे किसान शहीद हुए थे उनको न्याय दिलाना था, तो ये सभी वायदे अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं। जल्द भाजपा सरकार इन वायदों को पूरा करें, नहीं तो पूरे हरियाणा के किसान साथ लगते ही उत्तर प्रदेश में घर घर जाएंगे, अपने रिश्तेदारों के पास, अपनी बिरादरी के पास, अपने किसानों, मजदूरों, दुकानदारों, व्यापारियों के पास जाएंगे और भाजपा को हराने की अपील करेंगे। सभी उत्तर प्रदेश के हलके में, सभी हलकों में पिछले 2 दिन से ये प्रोग्राम चले हुए भी हैं और मेरी साफ शब्दों में चेतावनी है भाजपा सरकार को, जल्द अपने वादे पूरे करें वरना हम कल से ये जो मिशन उत्तर प्रदेश चला हुआ है इसको ज्यादा तेज करेंगे और भाजपा को हराने का काम करेंगे। बहरहाल गुरुवार को मोर्चे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मिशन यूपी का ऐलान कर दिया जाएगा। साथ ही ये भी स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी कि किसान संगठनों के लोग गांव-गांव जाकर सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। किसानों की इस तैयारी के बाद अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी मुखर हो रहे किसानों को कैसे शांत करती है। टोटल न्यूज के लिए सोनीपत से कविता शर्मा की रिपोर्ट।